ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 86 श्लोक क्रमांक 51। श्री भगवान वाच ब्रह्मस्ते अनुग्राहताया ब्रह्मस्ते अनुग्राहार्थाया संप्राप्तान विधि अमुन मुनीन संचरन्ति मया लोकान पुनन्तः पादरेणुभि। श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विधि अमुन मुनीन संचरन्ति मया लोकान पुनन्तः पादरेणुभि। श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विधि अमुन मुनीन संचरन्ति मया लोकान पुनन्तः पादरेणुभि। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री जुवैन ग्रेस से श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्लोक प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा ब्राह्मण हे ब्राह्मण ते तुम्हारा अनुग्रह आशीर्वाद देने के अर्थाय हेतु संप्राप्तान आए हुए विधि जानो अमून इन मुनि मुनियों को संचरंती भ्रमण करते हैं मया मेरे साथ साथ लोकान सारे जगत को पुनंत शुद्ध करते हुए पाद अपने पैरों की रेणु भी धूल से। भगवान ने कहा हे ब्राह्मण तुम यह जान लो कि ये महान ऋषिगण यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगत को भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूल से उन्हें पवित्र करते हैं। तात्पर्य श्री सीधो स्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि श्रुतदेव ने मेरा तो बहुत आदर किया किंतु इन मुनियों का उतना आदर नहीं किया, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। होम ज्ञान त्रिमंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चश्मरू मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं च जीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्रे सतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यानामने वरतुसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सके भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो अभी अध्याय है इसका शीर्षक है अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा भक्तों को आशीर्वाद। तो यहाँ पर बहुत विशेष वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार से जब कृष्ण भगवान ऋषिगण के साथ में सूर्यदेव के घर पर पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने पहले चर्चा किया था किस प्रकार से सूर्यदेव और भोलास दोनों के हृदय में भगवान को सेवा करने का इच्छा था और भगवान भक्तों के हृदय में जो आध्यात्मिक इच्छाएँ हैं उनको जानते हैं और भगवान उनको पूरा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर जो है सूर्यदेव के यहाँ पर आते हैं और सूर्यदेव जो है भगवान का बहुत स्वागत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सेवा कि जो सूर्यदेव हैं जो बाकी ऋषिगण आए हैं उनका उतना ज़्यादा सत्कार नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने उनका ध्यान ऋषिगण की तरफ करने के लिए इस प्रकार से बताया कि जो ऋषिगण हैं जो मेरे साथ हैं यहाँ पर ये भी मेरे साथ अलग अलग जगह पर भ्रमण करते हैं और ये इतने शुद्ध हैं कि इनके चरणों की जो धूल है उससे जिस जगह पर ये जाते हैं वो पवित्र हो जाता है। तो हम देखते हैं भागवतम में कई जगह पर इस प्रकार से ये दृष्टांत आता है जहाँ पर भगवान जो उनके भक्त हैं उनकी महानता उनके जो गुण हैं उनको प्रकाशित करते हैं। अधिकांश हम देखते हैं कई बार इस प्रकार का एक भाव एक भक्त के जीवन में आ जाता है कि भगवान तो महान है, भगवान तो बहुत शुद्ध हैं, मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ में है, लेकिन कई बार हम उतना आदर और सम्मान जो है भगवान के भक्तों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन बार बार हम देखते हैं शास्त्रों में कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि हम उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, उनको हम कितना सम्मान करते हैं, उनको हम कितनी सेवा करते हैं, उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक लीला आती है रामानुजाचार्य की ज़िंदगी में कि एक बार वो जा रहे होते हैं तो एक उनके शिष्य होते हैं यज्ञेश करके और वो बहुत धनी शिष्य होते हैं। तो रामानुजाचार्य विचार करते हैं कि मैं यज्ञेश के पास में जाके वहाँ पर एक दिन के लिए उनके घर पर रुकूँगा और जो प्रसाद है वो ग्रहण करूँगा। तो अपने दो शिष्यों को भेजते हैं कि जाइए और आप यज्ञेश को ये संकेत दीजिए, संदेश दीजिए कि हम उनके यहाँ पर आना चाहते हैं। तो दो शिष्य जाते हैं और उनको ये सूचना देते हैं
तो यज्ञ जो हैं वो बड़े गुरु भक्त थे, तो जैसे ही उनको ये सूचना मिलती है कि हमारे गुरु आने वाले हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंद में नृत्य करने लग जाते हैं और अपना जो है कृतज्ञता व्यक्त करने लग जाते हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया कि आज इस प्रकार का सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है, अभी जो गुरु जी हैं वो हमारे घर पर आएंगे, तो इस प्रकार से बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है। लेकिन उस अवस्था में जो दो वैष्णव आए होते हैं उनको बताने के लिए, उनको ज़्यादा सत्कार नहीं कर पाता है या उनको उतना ज़्यादा सम्मान नहीं दे पाता है, तो दोनों वैष्णव भी अपने लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं किए थे, तो वापस आते हैं और वापस आके जो है वो रामानुजाचार्य को ये बात बताते हैं। तो रामानुजाचार्य उनसे सबसे पहले चीज़ पूछते हैं कि जब आपने संदेश उनको दिया तो उन्होंने किस प्रकार से उसको स्वीकार किया। तो दोनों शिष्य बताते हैं कि गुरुदेव वो तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, जैसे ही उन्होंने ये समाचार सुना वो तो नृत्य करने लग गए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो फिर रामानुजाचार्य ने पूछा और उन्होंने आपका कैसे स्वागत किया, तो फिर बताए गुरुदेव वो इतना प्रसन्न हो गए थे आपके बारे में खबर को सुनकर कि हमारे बारे में पूछना भूल गए। तो फिर रामानुजाचार्य ने बताया कि फिर हम उनके यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं बहुत बड़ा दृष्टांत है ये शास्त्रों में आता है, लेकिन अधिकांश ये एक स्वाभाविक है हम हर किसी की ज़िंदगी में कि हम बड़े व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान करते हैं लेकिन उसके अधीन जो लोग रहते हैं उनको हम उतना सम्मान नहीं करते हैं। कई बार आप देखिए कोई अगर बड़ा भक्त आपको फ़ोन करता है कि प्रभु हम यहाँ से जा रहे हैं और स्टेशन पर जो है जर्नी प्रसाद चाहिए 40 लोगों का, तो आप खुद चले जाएंगे शायद, लेकिन मानो उसी बड़े भक्त के अधीन कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति उस बड़े भक्त का बड़ा प्रिय व्यक्ति भी है लेकिन छोटा व्यक्ति है, उसका फोन आता है कि हम ऐसे जा रहे हैं जड़ी प्रसाद चाहिए, तो हो सकता है प्रसाद ही ना पहुँचे हम तो बाद में पहुँचेंगे क्योंकि उतना सम्मान हम नहीं दे पाते हैं, या यहाँ पर भी ये इस प्रकार का एक भाव रहता है। लेकिन अगर कोई भक्त जो है दासानुदास का भाव यही होता है कि जब हम नीचे से नीचे के जो भक्त हैं उनको उस भाव से सेवा कर सकें कि कैसे ऊपर से ऊपर वाले जो भक्त हैं वो इस सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान सही में इस सेवा से ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको दास भाव में रहना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। अगर कोई भक्त बहुत ऊँचे स्तर पर है उनकी सेवा करना वो दास भाव के कारण भी हो सकता है और एक स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर कोई छोटे भक्त की सेवा करना है तो बिना दास भाव के सेवा नहीं कर सकते उसका। अगर कोई छोटा भक्त है और उसकी आप सेवा कर रहे हैं तो यानी कि आपके अंदर जरूर दास भाव है, वरना बहुत मुश्किल होता है। और अधिकांश देखा जाता है कि कोई अगर हमारा इक्वल हमारे पास आता है कि प्रभु ये सेवा कीजिए तो हम शायद डायरेक्ट मना कर दें कि नहीं प्रभु आप किसी और से पूछिए, और जूनियर तो शायद आएगा नहीं, लेकिन जूनियर आता है तो उसको हम डांट भी सकते हैं कि प्रभु आपका ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है और कोई सीनियर भक्त आता है तो कई बार हम हाँ बोल देते हैं कि, लेकिन ज़रूरी नहीं वो हमने दास भाव उसके कारण हाँ बोला है, क्योंकि हमको पता है कि उधर मना करेंगे तो ठीक नहीं है हमारे भक्ति के विकास के लिए लेकिन अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो जब हम देखते हैं कि भगवान से जो संबंध रखते हैं, भगवान की जो सेवा करते हैं उनको भी सम्मान करना, उनकी भी सेवा करना, उनको भी आदर देना, ये भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। एक जगह पर इजोलनिस्ट आदान स्वामी महाराज एक वर्णन बताते हैं कि एक बार जब प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में आए थे तो एक भक्त ने महाराज को एक माला दिया था कि आप ये माला प्रभुपाद जी को पहनाइए, तो महाराज पहनाने वाले थे, फिर महाराज ने देखा कीर्तनंद महाराज बैठे हुए हैं, तो महाराज ने तुरंत वो माला जो है कीर्तनंद महाराज को दे दिया कि आप पहनाइए, और ये चीज़ प्रभुपाद जी ने देख लिया तो तुरंत जो है प्रभुपाद जी बड़ा प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छा कि आप जो है खुद करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, उनको देने का प्रयास कर रहे हो। तो दूसरे भक्तों का सम्मान करना, दूसरे भक्तों की सेवा को सम्मान करना ये मुश्किल है बद्ध अवस्था में, लेकिन ये जो है भगवान को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देता है, क्योंकि कई बार हम रिश्तों में भी सेवाओं में भी रजोगुण के कारण हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो कोई बड़ा भक्त होता है तो हमको पता है इनके साथ संबंध रखने से जब हम इनके मंदिर में जाएंगे तो फ्री में रहना मिलेगा, खाना मिलेगा,
इनको संपर्क करेंगे तो जननी प्रसाद मिल जाएगा, ये अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको हम बुला सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन अगर कोई छोटा भक्त है तो हमें लगता है कि उनसे हमें क्या मिलेगा, ये प्रवचन इनको देना आता नहीं है और इनका कोई उतना अधिकार नहीं है, उतनी इनके अंदर नियंत्रण की शक्ति नहीं है, तो मेरा समय बर्बाद होगा अगर इनके साथ में संबंध बनाने का प्रयास करूँगा या कुछ इनकी सेवा करने का प्रयास करना। तो हम देखते हैं अगर हम सही भाव से हर भक्त को सम्मान करते हैं और उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं तो भगवान जो है उससे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। हम रामायण पढ़ रहे थे हाल ही में, तो हम उसमें देखते हैं इस प्रकार का ही दृष्टिकोण है। कोई भी ऋषि मुनि है, भगवान स्वयं भी उससे मिलते हैं तो बहुत आदर सम्मान के साथ में बात करते हैं। कई बार हम किसी वैसे व्यक्ति को मिलते हैं जो उतना अच्छा भक्ति ना कर रहा हो तो हमारे मन में थोड़ी सी उसके प्रति कम आदर होती है, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्तियों को भी आदर कर रहे हैं रामायण में जो स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे हैं। आप सोचिए अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए और आपसे बताए कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ये थोड़ी सी प्रयास कर रहा हूँ, तो हम तो उसको कितना ज़्यादा आलोचना कर बैठेंगे। लेकिन भगवान उस व्यक्ति को भी सम्मान कर रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा है आपकी ये, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं सम्मान का दृष्टिकोण जो है ये बहुत विशेष है और ये भगवान को प्रसन्न करता है। लेकिन ये जो सम्मान है ये हम रजोगुण तमोगुण में रहकर नहीं कर सकते हैं। सतोगुण एक ऐसा गुण है जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता जो है वो सतोगुण में आती है। तो अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो वो जो दूसरों ने उसके लिए कार्य किया है उसको याद रख सकता है और उसके अनुसार उसको आदान प्रदान कर सकता है। रजोगुण में व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया। अगर आप उनसे बोलोगे अरे 10 साल पहले इन्होंने आपको भक्ति में मदद की थी, वो तो 10 साल पहले था, आज क्या किया। रजोगुण वाला व्यक्ति को डेली उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसकी इतनी अपेक्षा हो जाती है तो कृतज्ञ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो तमोगुण में है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या अरे उन्होंने इतना कुछ किया आपके लिए, तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता है ऐसा है। तो हमने पिछली बार एक चीज़ की चर्चा शुरू की थी, हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। तो किसी को याद है कि मन विषय में है या विषय मन में है? दोनों सही हैं, मन भी विषय में है और विषय मन में है। तो हमने पिछली बार बताया था कि इस चीज़ से बाहर आने के लिए, मन को विषयों से दूर रखने के लिए और विषयों को मन में ना प्रवेश करने के लिए सतोगुण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सतोगुण में ही हम इस प्रकार से बाकी सब भक्तों का आदर भी कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह है श्लोक क्रमांक 11वें स्कंद का 13वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 1। तो उसमें भगवान बताते हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुण जिनके नाम सतो रजो तथा तमोगुण हैं, भौतिक बुद्धि से संबंध होते हैं, आत्मा से नहीं। सतोगुण के विकास से मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण को जीत सकता है एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वो अपने को भौतिक सत्व से भी मुक्त कर सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये उद्धव गीता का पाठ है जिसमें ये भगवान जो है उद्धव जी को ये बात बता रहे हैं कि ये जो 3 गुण हैं इसमें अगर कोई व्यक्ति सतोगुण पर स्थित होता है तो सतोगुण की सहायता से वो तमोगुण और रजोगुण पर विजय प्राप्त कर सकता है और फिर सतोगुण में स्थित होकर वो सतोगुण से ऊपर भी उठ सकता है। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो है एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है, प्लेन पकड़ना है, हवाई जहाज में जाना है तो आपको हवाई अड्डे पे आना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बस अड्डे पे आ गया हूँ और मेरे को हवाई जहाज पकड़ना है, नहीं, आपको हवाई अड्डे पे आना ही पड़ेगा। जय श्री श्री राधा माधव लेता वैसाखा की जय, श्री श्री जय गौर सुंदर की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ हनुमान की जय, शौरपाद की जय। तो आपको हवाई अड्डे पे आना ही पड़ेगा, तो हवाई अड्डे पे आना अर्थात आपको सतोगुण में आना पड़ेगा। एक बार आप हवाई अड्डे पे आ जाते हैं तो आपको हवाई अड्डे पे आने के बाद में जहाज में बैठना भी पड़ेगा। अगर आप हवाई अड्डे पे फ्लाइट नहीं पकड़ते हो तो वापस आप सतोगुण और शुद्ध सत्व की जो फ्लाइट है उसको आप पकड़ सकते हैं। फिर आप बोलोगे नहीं प्रभु जी, हम तो देखते हैं कुछ उदाहरण जिसमें वो रजोगुण में थे, तमोगुण में थे और वहीं से डायरेक्ट जो है वो शुद्ध सत्व में चले गए। तो ऐसे जो केस होते हैं बहुत रेयर होते हैं,
इनको इमरजेंसी केस बोल सकते हैं या परिवार के पिताजी वगैरह ये सब थे वहाँ पर। तो हमने देखा था वहाँ पर कर्फ्यू जब लग गया था तो कुछ आर्मी पर, तो उन आर्मी शास्त्रों में बताया गया है कि जो इस दुनिया का जो हम आकलन करते हैं वो जो हमारे गुणों का प्रभाव है उससे बहुत संबंध रखता है। जैसे जो फीलिंग ऑफ सिन है वो हमारे हृदय में हमारा कौन सा गुण है उसके अनुसार आएगी। अगर जैसे कोई ब्राह्मण वाला व्यक्ति है उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है, अगर उसने गलती से झूठ भी बोल दिया तो उसका बहुत ग्लानि रहेगा उसको, अरे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैंने कितना बड़ा घोर पाप कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया आज, मैं मर क्यों नहीं जाता। उसको इतनी ग्लानि आएगी, क्यों? क्योंकि सतोगुण में स्थित है। और अगर कोई रजोगुण में या तमोगुण में स्थित है तो तमोगुण वाला व्यक्ति अगर किसी को कुछ हाथ भी तोड़ देता है तो भी उसको ग्लानि नहीं आएगा, उसको बोलेगा अच्छा किया, एक ही टूटा, दूसरा भी टूट जाना चाहिए था इसका, क्योंकि उसका चेतना इतना नीचे है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो स्वाभाविक रूप से भक्तिमय कार्य कर सकता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण में बहुत मुश्किल होता है। गीता में भगवान बताते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भः, जितने भी अनर्थ हैं वो सब नीचे के गुणों ही में आते हैं। जितने भी अनर्थ हैं जिनसे हम जूझते हैं, अगर वो अनर्थ का हमें विकास करना है तो रजोगुण और तमोगुण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सतोगुण जो है उसमें हम देखते हैं ये अनर्थ जो इनका प्रभाव है वो ज़्यादा और अधिक हमारे पास में नहीं पड़ता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण में इनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरा है, इन गुणों का इस प्रकार से लक्षण है कि एक बार व्यक्ति किसी गुण में आ जाता है तो उस गुण के जो बाकी लक्षण हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं। अर्थात मानिए आपने रात में बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ किया, सोने से पहले आधा घंटा पहले 8:30 से 9 आप जो है बहुत स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और कुछ पैशनेट वीडियो देख लिया आपने, फिर आप सो गए, अब एकदम आपको लस्टी थॉट आ जाएगा, क्योंकि आप रजोगुण में स्थित होकर सोए हैं या रजोगुण में हैं, तो रजोगुण के जो बाकी लक्षण हैं वो भी प्रकट हो जाएंगे। तो कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस प्रकार से विचार क्यों आ गया? क्योंकि आपने अपने आप को रजोगुण में स्थित कर लिया। तो अब आपने रजोगुण में स्थित किया है तो रजोगुण के जो बाकी प्रभाव हैं वो भी आपके ऊपर क्या है दिखने लग जाते हैं, वो आने लग जाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए बताया गया है, लेकिन अगर सतोगुण में कोई व्यक्ति अपने आप को स्थित करता है तो बहुत ज़्यादा मदद होता है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं जब जीव प्रबल रूप से सतोगुण में स्थित हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं, और जो वस्तुएं पहले से सतोगुण में स्थित हैं उनके अनुशूलन से सतोगुण का प्रबल को प्रबल बनाया जा सकता है और इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का उदय होता है। अब देखिए यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है वो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत को प्रधान कर सकता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, सतोगुण में रहकर भक्ति के लिए जो अनुकूल कार्य हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। यानी अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसका मन करेगा कि मुझे शास्त्र पढ़ना है, उसका मन करेगा कि मुझे भगवान का नाम जप करना है, उसको इस प्रकार के जो कार्य हैं वो बहुत स्वाभाविक लगेंगे, उसको अपने आप को साफ रखना ये स्वाभाविक लगेगा, सच बोलना ये स्वाभाविक लगेगा, आज्ञा का पालन करना ये स्वाभाविक लगेगा, ये क्या हो जाएगा उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। एक बार गुरुजन प्रभु ने प्रूपा जी से, प्रूपा जी एक बार प्रवचन कर रहे थे तो प्रूपा जी ने उस प्रवचन में बताया था कि जो भक्त लोग हैं वो सतोगुण में होते हैं। तो गुरुजन प्रभु ने प्रूपा जी से पूछा कि प्रूपा जी मैंने तो सुना था कि भक्त लोग जो हैं वो शुद्ध सत्व में रहते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सतोगुण में रहते हैं। तो प्रूपा जी उनको बोले कि हाँ, भक्त शुद्ध सत्व में रहते हैं लेकिन वो सतोगुण में रहकर कार्य करते हैं। इस प्रकार से प्रूपा जी ने गुरुजन प्रभु को बताया। फिर यहाँ बताया गया है सतोगुण से सुदृढ़ हुआ धर्म रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं तो उनका मूल कारण जो कि अधर्म है तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि सतोगुण से सुदृढ़ हुआ धर्म क्या करता है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। अब देखिए अगर आप सतोगुण में हैं तो भागवतम क्लास में भी आप सुन सकते हैं, लेकिन रजोगुण में है तो कुछ और सोचेंगे,
भागवतम क्लास में बैठ के भी कब ये खत्म होगा, जल्दी से अभी ये करना है वो करना है, और अगर तमोगुण में है तो वहीं पर सो जाएंगे। तो भक्तिमय कार्य क्या है जो आसान हो जाते हैं। एक बार एक भक्त ने चेतन चरण से पूछा था कि प्रभु जी भगवान का नाम तो जो है वो शुद्ध सत्व है, तो फिर ये क्यों जरूरी है कि हमें सुबह ही जप करना है। तो चेतन चरण पूर्ण को बताए थे कि भगवान तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन सुबह के समय हम ज़्यादा अवेलेबल हैं, यानी कि सत्वगुण में हम ज़्यादा स्थित रहते हैं भगवान से जुड़ने के लिए, ऐसा है। वरना आप देखिए रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना घोर रहता है कि हम भक्ति में रहने के बावजूद भी भक्ति के कार्य नहीं कर पाते हैं, भक्तों के कपड़े पहनने के बावजूद भी भक्ति के कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोग हमको भक्त बोलते हैं फिर भी हम भक्तिमय कार्य नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ बताया गया अगर सतोगुण का प्रभाव रहेगा तो जो धार्मिक कार्य वो अपने आप होंगे, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट होगा, और दूसरा उसके कारण अधर्म भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अधर्मिक कार्य जो हैं वो किससे होते हैं? रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। तो अगर कोई सतोगुण में स्थित हो जाएगा तो ये जो अधर्मिक कार्य हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो अभी इसमें ये बताते हैं कि ये जो सतोगुण है ये हम कैसे इसको हम विकसित कर सकते हैं। तो सतोगुण विकसित करने के तीन मुख्य तरीके हैं जिससे सतोगुण विकसित कर सकते हैं। उसमें से पहला तरीका है जो सतोगुण में चीज़ें हैं उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि रजोगुण और तमोगुण में जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। तीसरा तरीका है जो सतोगुण के सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको भी अभ्यास करना पड़ेगा। जब सतोगुण के लक्षणों का अभ्यास करते हैं उससे भी सतोगुण आ जाता है। तो पहला क्या चीज़ है कि हमें सतोगुण में जो चीज़ें हैं उनको प्रयास करना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उनके साथ संग करना पड़ेगा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सतोगुण में कैसे आया जाता है। आगमो प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशेते गुण हेतवा। तो इसमें 10 चीज़ें बताई गई हैं कि इनका संग करने से हम सतोगुण में आते हैं। शास्त्रों के गुण, जल, बच्चों या सामान्य जनता से संगति, स्थान विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चारण, प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। तो ये इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि इन चीज़ों को अगर हम सतोगुण में स्वीकार करते हैं तो हमारा सतोगुण बढ़ता है। पहला है शास्त्रों का अध्ययन। तो जो शास्त्र हैं वो तो शुद्ध सत्व में हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो सतोगुण का प्रधानता आ जाता है। इस प्रकार से लोगों ने स्टडी भी किया है कि जैसे ही आप संस्कृत का श्लोक उच्चारण करते हैं तो सतोगुण जो है तुरंत जो है प्रकट हो जाता है। दूसरा बताया गया है जल। जल के अंदर इतनी विशेषता है कि जल जो है वो एक ग्रॉस पदार्थ है लेकिन सटल एलिमेंट्स को टच कर सकता है। ये जल की क्या है? विशेषता है। तो अगर कोई भक्त जैसे ही स्नान करता है तो वो सतोगुण में आ सकता है। लेकिन जल भी जो है तीनों गुणों में होते हैं। तो जो सतोगुण जल है वो बताया गया है जो नदियों का बहता हुआ पानी है वो सतोगुण जल में आता है, और जो हम मोटर लगा के नीचे से ज़मीन से पानी निकालते हैं वो रजोगुण में आता है, और जो बोटल्ड वाटर रहता है, जो पैक्ड वाटर रहता है, जो हम लोग बोटल वगैरह में पैक करके रखते हैं वो तमोगुण में आता है। मतलब अगर 10-15 एक महीना तक पानी रखा हुआ है तो फिर वो तमोगुण में आएगा, लेकिन रेगुलरली यूज हो रहा है तो रजोगुण में आएगा, ऐसा है। तो पानी का भी जो है इस प्रकार से बताया गया है। तो अगर हमें शुद्ध सत्व वाला पानी मिलता है, सत्वगुण वाला पानी मिलता है, तो उससे भी हमारे को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। फिर यहाँ बताया गया है कि जो लोग हैं जिनसे हम संगति करते हैं इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। किन लोगों के साथ हम संगति कर रहे हैं? ये स्वाभाविक है। देखिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो रजोगुण में हैं तो आपका रजोगुण बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे आप कि वो तमोगुण में हैं तो आपका तमोगुण बढ़ेगा। मानिए आप एक कमरे में घुसते हैं, उसमें 3 लोग सो रहे हैं, और आप उस कमरे में गए इस इच्छा से कि मैं भागवतम पढ़ूंगा। अब जैसे उस कमरे में घुसेंगे, क्योंकि 3 तमोगुण हैं और आपका 1 सतोगुण, तो उनका प्रभाव जो है आपको सुला देगा। लेकिन आप एक कमरे में घुसे हैं जिसमें आप सोना चाहते हैं और 3 लोग जो हैं वो भागवतम पढ़ रहे हैं, आप सो नहीं पाएंगे।
क्योंकि उसमें सत्वगुण का प्रभाव क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ में संग करना है जो सत्वगुण में जाता हूँ। अगर आप रजोगुण वाले व्यक्तियों से संग करेंगे तो आपका रजोगुण बढ़ेगा। हमें याद है जब हम SSB के लिए गए थे, इलाहाबाद में हमारा आया था SSB 21, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे इतने रजोगुणी लोग, वो देश को कुछ बहुत बड़ा बनाने के लिए और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप सुन के डर जाएंगे। तो अगर ऐसे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर भी कुछ वैसा एक जुनून आ जाएगा, रजोगुण जो है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सत्वगुण व्यक्तियों के साथ में संग करेंगे तो सत्वगुण का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसा। और ये जो तीनों गुण हैं भगवद गीता में बताया गया, ये तीनों जो हैं आपस में झगड़ा करते हैं, टू विन ओवर ईच अदर। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसके लिए? जीतने के लिए। लेकिन जीव जो है जैसे ही किसी पर्टिकुलर मोड के प्रति थोड़ा झुक जाता है वो मोड जीत जाता है। तो आप देखोगे जैसे तमोगुण जो है वो आपको इस प्रकार से बोलेगा, प्रभु सो जाओ ना, सो जाओ। फिर जो रजोगुण है वो बोलेगा, क्या कर रहे हैं हम बैठे हुए यहाँ पर, कुछ करना चाहिए हमको। तो ये रजोगुण है। और सतोगुण है वो भी आएगा, प्रभु आपका जब कैसा चल रहा है, अब क्या भक्तो प्रभु। फिर आपका मन बोलता है ठीक है अभी सो लेते हैं। तो फिर कौन सा मोड जीत गया? तमोगुण जीत गया। तो तीनों जो है आपस में जीतने के लिए संघर्ष करते हैं। और जिस मोड के साथ आप जितना ज़्यादा संग करते हैं वो मोड आपका प्रोमिनेंट मोड हो जाता है ऐसा। तो अगर कोई सतोगुण से ज़्यादा संग करता है तो वो प्रोमिनेंटली जो है सतोगुण में रहेगा। अगर कोई रजोगुण से ज़्यादा संग करता है तो प्रोमिनेंटली वो रजोगुण में रहेगा। और अगर कोई तमोगुण से ज़्यादा संग करता है तो प्रोमिनेंटली वो तमोगुण में रहेगा। और इनके लक्षणों से आप देख सकते हैं वो व्यक्ति कौन से मोड में बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई सतोगुण में बहुत ज़्यादा है तो आप देखना कि वो बहुत पंक्चुअल रहेगा, भागवतम क्लास में टाइम पे आएगा, ब्रह्मचारी क्लास टाइम पे आएगा, प्रसादम के लिए भी वो टाइम पे जाएगा। वो क्या है, उसमें पंक्चुअलिटी स्वाभाविक रहेगा, क्योंकि उसको अजीब लगेगा अगर वो समय पे नहीं जाता है। वो रेगुलेटेड रहेगा, आप देखना टाइम पे सोएगा, टाइम पे सब कुछ कार्य करेगा, साफ रहेगा। आप देखना वो बहुत ज़्यादा अनक्लीननेस जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि सतोगुण में। दूसरा है, आप देखना कि वो जो भी बोलता है उसको बहुत मीन करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्वाभाविक गुण रहेंगे कि मैंने ये वचन दिया है तो मुझे इसका पालन करना है। उसके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस रहेगा, ग्रेविटी रहेगा, ये सतोगुण का लक्षण है। और जो रजोगुण का व्यक्ति है उसके अंदर हमेशा एक एजिटेशन सा रहेगा, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है, इस प्रकार से वो एक हमेशा वाइब्रेशन सा उसका रहेगा। हमेशा वो तेज़ खाएगा, तेज़ दौड़ेगा, तेज़ चलेगा, इस प्रकार से। कब सो जाएगा? सो जाएगा तो काफ़ी लंबा सो जाएगा, एक दिन बिल्कुल नहीं सोएगा, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। कब क्या करेगा किसी को नहीं पता है, एकदम क्रोध प्रकट कर देगा, एकदम शांति हो जाएगा, तो ये रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण का व्यक्ति है वो हमेशा ढीला रहेगा, कितना भी कुछ भी कोई कुछ बोले वो अपना जो है सो जाएगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा। उसने निश्चय कर लिया है कि चैतन्य महापुरुष स्वयं अगर आएंगे तो फिर जगाई मदाई के बाद में तीसरा उद्धार मेरा होगा। तो ये वो होता है। तो इसमें जल बताया, संगति बताया, तो संगति के बारे में, अगर हम सत्वगुण व्यक्तियों से ज़्यादा संग करते हैं तो बहुत हमको मदद करता है। इसमें सत्वगुण की जो विचारधारणा है उससे भी हम प्रभावित होते हैं। अगर हम रजोगुण व्यक्ति से संग करेंगे तो रजोगुण विचारधारणा है वो हमको प्रभावित करेगी। तीसरा स्थान, तो जो हमारा स्थान है वो काफ़ी सत्वगुण में रहना चाहिए अगर हम सत्वगुण को विकसित करना चाहते हैं। तो जो भी आपका स्थान है अगर वो बहुत साफ है तो वो आपको सत्वगुण में स्थित करेगा। लेकिन अगर भक्त तो बहुत सारे चीज़ों को अपने पास में एकत्रित करके रखते हैं और फिर उसको साफ नहीं कर पाते हैं तो फिर सत्वगुण जो है उसका विकास होना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने स्थान को बहुत साफ रखते हैं तो उससे सत्वगुण का भी विकास होता है। और भक्त लोग जो हैं वो अपने स्थान को अध्यात्म बना के रखते हैं, हम तो मंदिर में ही रहते हैं तो शुद्ध सत्व स्थान है, लेकिन इसमें भी जो जगह हम रहते हैं उसको भी अगर साफ वगैरह रखते हैं तो बहुत मदद करता है। उसके बाद है काल, समय। तभी जो कालकंठ प्रभु जी आए थे वो बता रहे थे कि सुबह 2 बजे से लेके 10 बजे तक वो सतोगुण का समय होता है, 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वो रजोगुण का समय होता है, और शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 2 बजे तक वो फिर
तमोगुण का समय रहता है। तो अगर हम सतोगुण के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस समय का लाभ उठाएं तो वो हमारे को बहुत मदद करता है। तो अगर हम सुबह 2 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो सतोगुण का समय होता है, तो इसमें अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और इसका लाभ उठाते हैं तो हमारे जो सतोगुण है वो बढ़ता है। फिर बताया गया है कि कर्म भी जो हैं, अगर हम ऐसे कर्म करें जो सतोगुण में है तो जो कर्म करने से उनका जो संग है उससे भी क्या होता है, हमारा उस पर्टिकुलर मोड का विकास होता है। फिर जन्म, तो इसमें जो वैदिक समय में जन्म होते थे तो गर्भदान संस्कार वगैरह होता था, तो अगर गर्भदान संस्कार वगैरह होता है तो उससे एक शुद्ध जो बालक है उसका जन्म होता है। ये प्रभुपाद जी के शिष्य तात्पर्य में लिखते हैं कि हम लोगों को ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहिए, हमको गुरु से दीक्षा लेना चाहिए जो दूसरा जन्म है, तो उससे भी हमारा जो जन्म है वो शुद्ध हो सकता है। फिर ध्यान बताया गया है कि जो ध्यान है वो हमको अच्छी चीज़ों पे करना चाहिए, जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग है ये मन का स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन गीता में बताया गया है ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड में कि अगर आप जो है संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं, आप दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, तो ये सब जो है ये सतोगुणी विचार हैं मन के, तो इससे क्या होता है सतोगुण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर हमारे रजोगुण और तमोगुण विचार जो हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर हमारे वो जो मोड है नियंता है। तो जब हम आँखों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, मुँह से जो खाते हैं, ये सब जो विषय हैं ये मन के अंदर चले जाते हैं, मन जो है वो स्टोर हाउस है ऐसा है। और ऐसा बताया गया है कि जो ये विषय वस्तुएं होते हैं इनके जो गुण हैं वो भी हमको प्रभावित करते हैं। तो अगर आपने कोई विषय वस्तु ग्रहण की वो रजोगुण में है तो उसका जो रजोगुण है वो विषय वस्तु से तो आप भोग ही रहे हो, उस व्यक्ति का जो विषय वस्तु का जो गुण है वो भी आपको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से जो मन है उसके अंदर ये विषय वस्तु भर जाती हैं और बाद में जो मन है ये विषय वस्तुओं के पीछे भागने लग जाते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि विषय मन में चला जाता है और मन विषयों में चला जाता है। लेकिन अगर हम मंत्र का अच्छी तरीके से उच्चारण करते हैं तो जो है मन में मंत्र चला जाएगा और मंत्र में मन चला जाएगा। तो मंत्र जो है वो मन में कैसे जा सकता है, अगर आप मंत्र को सुनते हो। अगर हम कानों से मंत्र को सुन रहे हैं तो धीरे धीरे करके जो मंत्र है वो कहाँ चला गया, मन में चला जाएगा। और मन जो है वो मंत्र में कैसे जाएगा, अगर आप ध्यान से जप करने का प्रयास करते हो। अगर आप ध्यान से मन को मंत्र की तरफ लेके आ रहे हो तो धीरे धीरे करके मंत्र में मन चला जाएगा, और अगर आप सुनने का प्रयास कर रहे हो तो धीरे धीरे करके क्या होगा, मंत्र जो है वो मन में चला जाएगा। तो एक कथा में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि इस तरीके से हम विषयों को मन से निकाल सकते हैं और विषयों में से मन को निकाल सकते हैं किस प्रकार से, मंत्र को मन में डाल के और मन को मंत्र में लगा के। तो ये मंत्र जो है ये भी बहुत विशेष मदद करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मंत्र को सुने, क्योंकि जितना आप सुनोगे मंत्र को उतना मंत्र जो है मन में प्रवेश करेगा, और जितना आप मन को ध्यान लगाने का प्रयास करोगे मंत्र में उतना जो है मन मंत्र की तरफ भागेगा। और फिर बताया गया है हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं अगर इनको हम सद्गुण में प्रयास करते हैं अपने जीवन में उतारने का, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको मदद करती हैं जिनसे हमारा जो सद्गुण है वो विकास हो जाता है। तो ये पहला चीज़ है जिससे सद्गुण का विकास होता है। दूसरा है जो चीज़ें रजोगुण में हैं तमोगुण में हैं उनसे हम दूर रहें। अगर हम रजोगुण और तमोगुण वाली चीज़ों और सामग्री से दूर रहेंगे तो हमको बहुत मदद करेगा। देखिए मन का इस प्रकार से स्वभाव है, भले मन के अंदर में विषय भरे हुए हैं लेकिन मन जो है वो आपको उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं कर सकता जब तक कि वो विषय मन के सामने ना आ जाए। जैसे मानो भले आपके अंदर बहुत इच्छा होती है कि मुझे कुछ रजोगुणी पदार्थ खाना है, लेकिन जब तक वो रजोगुणी पदार्थ आपके सामने नहीं है आपके अंदर उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं आएगी, क्योंकि मन जब विषयों को देख लेता है तो पागल हो जाता है। लेकिन अगर विषय है ही नहीं तो फिर मन जो है उतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो पाता। इसलिए हमारी जो वैदिक प्रणाली थी उसमें विषयों को दूर रखा जाता था, विषयों को ढाक के रखा जाता था। पुराने अभी भी एक किसी गांव में आप जाओगे दुकान पे है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करते,
कई बार आपको पता ही नहीं उसके पास क्या है क्या नहीं है, आपको जाके उसे पूछना पड़ेगा कि भैया ये है क्या, फिर कहीं अंदर से घुस के वो निकाल के देगा कि हाँ ये है। लेकिन आप देखिए मॉडर्न कल्चर क्या है, इतना सब कुछ डिस्प्ले किया जाता है और उससे क्या होता है सारे विषय मन के सामने आ जाते हैं। और ये हर एक मॉडर्न व्यक्ति का एक्सपीरियंस है कि वो खरीदने कुछ और जाता है लेकिन जब वो मॉल में प्रवेश करता है तो उसके साथ में कई और चीज़ें भी खरीद के लेके आता है। क्यों? क्योंकि विषय मन के सामने आ जाता है, फिर मन जो है उसमें पागल हो जाता है। ऐसा है, हमारे पिताजी बता रहे थे एक बार वो लंदन में गए थे तो उनको कुछ तो साबुन खरीदना था तो एक दो ही साबुन खरीदना चाहते थे, लेकिन वो कोई तो एक बहुत बड़े मार्ट में गए थे, वॉलमार्ट वगैरह कुछ, तो उसमें 300-400 प्रकार के साबुन रखे थे तो जनरली आप एक दो साबुन खरीदोगे तो उसमें 5 मिनट लगेगा और एक दो साबुन खरीद के आप आ सकते हो, लेकिन क्योंकि 300-400 प्रकार के साबुन थे और ऐसे आपको डिस्प्ले किया जाता है कि आप उसको स्पर्श भी कर सकते हो, सूंघ भी सकते हो, तो उनको 4 घंटा लगा साबुन खरीदने में और 2 साबुन की जगह वो 12 साबुन लेके आए तो हम सोच रहे थे कि उनका समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, क्योंकि जो विषय हैं वो इस प्रकार से आपको खींच लेते हैं। ऐसा है, इसलिए वैदिक प्रणाली क्या है, विषयों से दूर रहो। कई बार भक्त लोग ये चीज़ समझते नहीं है, नहीं प्रभु जी मुझे ना फास्ट इंटरनेट चाहिए, मुझे बिना इंटरप्शन का व्हाट्सएप चाहिए, तो फास्ट इंटरनेट और बिना इंटरप्शन का व्हाट्सएप जल्दी से इनको माया से कनेक्ट कर देगा कई बार हो सकता है विषय वस्तुओं की वजह से हमारे को सेवाओं में कुछ देरी हो, लेकिन वो अच्छा है। लेकिन विषय वस्तु बिल्कुल आपके पास में पड़ी हुई है तो आपके लिए बहुत जो है खतरनाक है। वैदिक समय ऐसा ही होता था, आपको कुछ विषय वस्तु है, कोई फ्रिज नहीं था, कुछ दुकान नहीं थी, बनाओ, आपका मन कर रहा है बनाओ, जब आप 2 घंटे बनाओगे पसीना निकलेगा, आग गर्म होगा, तो उससे क्या होता है भोग वृत्ति जो है चली जाती है। लेकिन आजकल क्या है, फ्रिज खोला तो उसमें पड़ा हुआ है, फास्ट फूड बना रखा है, 1 महीने तक बचा बचा के खाते रहो, इसलिए आप देखो ओबेसिटी जो है वर्ल्ड की ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, सब खा खा के जो है मोटे हो चुके हैं। ऐसा है, और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, हर विषय वस्तु की इस प्रकार से बात है। पहले तो हर चीज़ जो है, हर विषय जो है वो दूर रखा जाता था। अगर कोई विवाह भी कर लेते थे तो स्त्रियाँ जो है वो अंदर रहती थी और पुरुष जो है वो बाहर रहते थे, तो भले विवाहित हैं लेकिन संपर्क ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप, और जो स्त्रियाँ थी वो पल्लू जो है अपना डाल के रखती थी। तो ये हमारा एक वैदिक प्रणाली है कि विषय जो है जितना दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर विषय जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और हम अपने आप को विषयों से संग्रह करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कई बार हो सकता है विषयों को दूर रखने के लिए हमको कुछ तकलीफ हो, लेकिन वो तकलीफ जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे हमारा सतुगुण का विकास होगा। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ चाहिए जो कुछ भी सेवा में विघ्न ना आए, ऐसे प्रकार से। तो दूसरा चीज़ है कि हम रजोगुण और तमोगुण के जो विषय हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। ऐसा, तो वैसे तमोगुण के जितने भी विषय हैं आप ऐसे रूम में मत घुसिए जिसमें आपको पता है कि सब सो ही रहे होंगे, तो अगर आप उस रूम में घुस जाएंगे तो फिर आपको कहेंगे, उससे भी क्या सतोगुण जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें बता रखे हैं कि अगर सतोगुण इस प्रकार से बढ़ता है तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो हमारी भक्ति में मदद करेगा और हमारे लिए भक्ति जो है वो स्वाभाविक हो जाएगी, और उस सतोगुण में भक्ति करके हम सतोगुण को भी ट्रांसेंड कर सकते हैं, क्योंकि सतोगुण जो है वो भी एक बंधन है। 3 प्रकार की रस्सी हैं, एक सोने की है, एक जो है वो लोहे की है और एक जो है चांदी की है, तो तीनों ही बंधन का कारण है। लेकिन जो सतोगुण है उसमें आप भक्ति कर सकते हैं जिससे कि सारे बंधनों से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा, तो अगर हम इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या है, अच्छी तरीके से हम भक्ति कर पाएंगे और अपने हृदय में कृतज्ञता जो है वो भी हमारे हृदय में रहेगी, जिससे कि हम हर वक्त का सम्मान भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। शुभ रूपाद की जय। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। शुरुआत में जो आप बता रहे थे कि भक्तों का सम्मान नहीं कर पाते हैं, छोटे भक्तों का बड़े भक्तों का करते हैं, ट्रेन का उदाहरण दिया था आपने पिछला था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कैसे संभव हो सकता है कि दोनों भक्तों का एक साथ ही सम्मान किया जाए। एक साइड हम ये भी देखते हैं कि देवनाथ ऐसा वैसा
जो जिस स्तर से उनका उस स्तर से सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक भी होगा कोई अगर वरिष्ठ भक्त आते हैं तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा उनकी सेवा भाव होता है, ज़्यादा उनके लिए सेवा कर सकते हैं। और हम अपने मंदिर में भी देखते हैं, अथॉरिटीज़ में भी, कि ये स्वाभाविक है, पूजा रहता ही है, तो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा माधव गुरु ने, क्योंकि ये भी बात सही है कि हर किसी का समान रूप से सम्मान करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और व्यवहारिक भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन हम किस संदर्भ में बात कर रहे थे कि हमारा मनोभाव जो है वो उनको सम्मान देने का भाव रहना चाहिए। तो ये तो शास्त्र में भी बताया गया है, जो जैसा स्थिति रखता है उसके अनुसार उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या रहता है, जो छोटे भक्त रहते हैं उनको सम्मान देने के हमारे मन में भाव भी नहीं रहता है। हमारे मन में कई बार ऐसा भाव आ जाता है, अरे ये कहाँ से आ गई है, तो वो भाव सही नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि यज्ञ जो है बहुत बड़ा सत्कार दे इनको, लेकिन उनके अनुसार तो कुछ उनको करना चाहिए था। वैसा उनके हृदय में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसा। लेकिन कई बार इस प्रकार से भाव आ जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूटिव हैं हमारे डीलिंग्स में, तो ये भाव आ जाता है कि इनका मैं क्यों करूं, लेकिन उनके अनुसार करना चाहिए, ऐसा। तो अगर हम उनके अनुसार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपने बताया सतगुण की जो महत्वता है और कैसे उसमें रह सकते हैं, सो हम मान लीजिए कोई भक्त है वो सतगुण में है लेकिन वो इस प्रकार की सेवाएं कर रहा है जिसमें रजोगुण की जरूरत है या रजोगुण की प्रधानता है, कंस्ट्रक्शन हो गया या जो भी हो गया, जैसे भी सेवाएं, तो फिर कैसे वो खुद को सतगुण मेंटेन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसी सेवा में वो रजोगुण प्रभाव उस पर जो हैवी हो जाता है, उसके ऊपर प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति रजोगुण में बह जाता है, फिर वह एहसास नहीं कर पाता कि मैं मुझे सतगुण में वापस आना है या मैं सतगुण में उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। यस, तो मुझे याद है जब हमको मेंटेनेंस का सेवा मिला था तो हमारे मन में भी ये सवाल था कि किस प्रकार से ये होगा, लेकिन फिर हमने विचार किया कि आप हर सेवा को सतोगुण के तरीके से भी कर सकते हैं। आप सतोगुण की सेवा को रजोगुण के तरीके से भी कर सकते हैं और रजोगुण की सेवा को सतोगुण के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कोई भागवतम पढ़ रहा है, आप रजोगुण के तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बस खत्म हो गया आज, दो चार चार चैप्टर खत्म कर दूंगा। और ये समस्या है, कई भक्त हैं जिन्होंने भागवतम इस प्रकार से पढ़ा है और एक बार पढ़ने के बाद में भागवतम पढ़ा है, मतलब कि वो दोबारा नहीं पढ़ने का मन करता है उनका, क्योंकि उन्होंने रजोगुण में पढ़ाई की है, तो वो फिर भागवतम वैसे ही पढ़ा रहता है। तो जब हम ये सेवा लिए तो फिर हम बताए थे अपने सुप्रियर्स को कि मैं इस सेवा को करूँगा लेकिन सतोगुण में करूँगा। तो फिर हमने एक मैनेजर को रखा, तो जो एम्प्लॉई से डीलिंग है, जो उस टाइप के कार्य हैं वो सब वो मैनेजर करता था, लेकिन देखिए विजन है, प्लानिंग है, सुपरविजन है, ये सब सतोगुण के कार्य हैं। ब्रह्मा जो है वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ऐसा। और जिस सेवा में हमसे रिजल्ट्स की अपेक्षा रहती है, तो अभी रिजल्ट्स को हम सतोगुण में कैसे, मतलब रिजल्ट भी अच्छा है और सतोगुण भी मेंटेन रहे, तो वो कैसे कर सकते हैं? नहीं देखिए क्या है, अगर हम अपनी सेवा के प्रति बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदार हैं, जैसे कंसिस्टेंसी है वो सतोगुण का लक्षण है, और किसी भी सेवा में अगर आप कंसिस्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल है, तो रिजल्ट स्वाभाविक आएगा। सुपीरियर्स कई बार इस प्रकार से हमको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है या उतना ज़्यादा उत्तरदायित्व तो लेने का वो नहीं रहता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। जैसे अगर हम आज कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो बॉस जो है हमको पूरा डेडलाइन दे दे के 8-8, 10-10 घंटे काम कराते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में उस प्रकार से कोई है नहीं जो इस प्रकार से करेगा, और अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार सेवा नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद में हमको ही अंदर से अजीब सा लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया प्रभुपाद जी के लिए। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेवा करें, क्योंकि जब आप सेवा करेंगे तो सेवा बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो आपको अच्छा लगता है और आप भक्ति में और अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हो, आपकी भक्ति जीवन के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आप सेवा अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं और उसमें कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं तो सेवा ग्रो नहीं होगी और फिर आपकी सेवा बढ़ेगी नहीं, और फिर आपको थोड़ा सा खालीपन महसूस होगा कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंटली सेवा करें, सतोगुण में है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी आएगा। कंसिस्टेंसी जो है वो सतोगुण का लक्षण है, और किसी भी सेवा में अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो ज़रूर जो है उसका रिजल्ट भी आएगा।
वो जो साधक के अवस्था में देखते हैं कुछ गलतियाँ होती रहती, कभी कभी अपराध हो जाते हैं कंडीशन सोल के कारण, तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि सुपीरियर्स जो है उसको मतलब उसी तरह से देखते हैं, तो उसमें साधक की स्थिति में वो सोचता है कि बार बार कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन रहता है उसके माइंड में। आपको ये सवाल है कि साधक से कुछ गलती होती है और सुपीरियर को वो गलती पता है और वो उस भक्त को उसी तरीके से देखते हैं, ऐसा? तो साधक के मन में सवाल आता है कि सुपीरियर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ये है कि मतलब प्रभु जी उसमें समझ वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि मतलब क्या ऐसा इस तरह से देखना, उनको तो क्षमा करने का क्षमा करना चाहिए लेकिन वो ऐसा हमको क्यों देख रहे हैं, ये सोचना सही रहता है? हाँ देखिए, एक चीज़ है, अगर आपको इस दुनिया में आगे बढ़ना है और खुश रहना है तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, पूरी दुनिया एक ही चीज़ को शुद्ध करने के लिए बनी है, एक ही व्यक्ति को सुधारने के लिए बनी है, वो कौन है? मैं। तब ये मत सोचो वो क्या गलत कर रहे हैं, आप सोचो कि मैं उस चीज़ में आगे क्या बढ़ूँ, मेरे लिए क्या लेसन है उसके लिए। देखिए हमारा इतना सारा एनर्जी दूसरे लोगों को आकलन करने में चला जाता है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल दिया मेरे को, ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों कह दिया मेरे को, ये व्यक्ति ऐसे क्यों देखता है मेरे को, ये व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है मेरे बारे में। देखिए अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे तो उनकी भावना को बदल देंगे, और आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो कितना भी प्रयास कीजिए वो नहीं बदलेंगे। वैसे थॉट प्रोसेस जो है वो हमेशा नहीं आते 24 घंटे में, कभी कभी एक आध बार आता है। तो सकारात्मक तरीके से भगवान का आश्रय लिए और फिर देखिए लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके नाम पे घाट बन गए, उन प्रसिद्ध हो गए। तो वैसे ही आप देखना कोई भक्त जो है अगर अपने ऊपर कार्य कर रहा है, ये सब तो देखिए टेम्पररी है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भौतिक दुनिया की जो प्रशंसा है और भौतिक दुनिया का जो निरादर है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने देखा होगा एक ही भक्त आज आपको सम्मान दे रहा है, आज आपकी प्रसन्नता कर रहा है, कल वही भक्त आपके बारे में कुछ गलत बोल देगा या कल वही आपका निरादर कर देगा। तो आप अगर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इनको सीरियसली लेंगे तो फिर आपका विकास जो है सही नहीं होगा। आप क्या कीजिए, अपने सुपीरियर के पास में जाइए और जो आपको कार्य करना है अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, वो कीजिए। जितना आप इस पर ध्यान देंगे बाकी लोग अपने आप ही आपको सही भावना से देखने लग जाएंगे। ठीक है, कर सी भाई आज? ठीक है, एक सवाल ले सकते हैं कोई एंड वाला, फिर कर सेवा करेंगे। बहुत विशेष कर सेवा चालू हो गई है अभी। आपने तीन प्रकार का जल बताया था, नदी और जो निकालते हैं और जो बोतल में होता है, किंतु अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी विशेष बोतल में और धूप में रखे तो वो कैसा होगा, क्योंकि धूप तो बताते हैं। नहीं, जो हम लोग बोतल में पानी पीते हैं वो तमोगुण में नहीं आएगा, लेकिन जैसे एक महीना दो महीना जो बोटल्ड वाटर रहता है ना वो आएगा तमोगुण में। आपका पानी जो है वो काफी अच्छे गुण में है। मगर अगर जैसे कि बोतल से कांच का बोतल हो गया, कोई और अच्छा बोतल हो गया, जैसे चांदी का हो गया, चांदी का हो गया, तो फिर अगर इनको धूप में रखते हैं तो सूर्य भगवान की ऊर्जा उनको मिलती है। हाँ, लेकिन पानी उसमें कितने दिन तक रखा रहेगा? कितना भी दिन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए चांदी के पात्र में रख दिए तो उसमें बैक्टीरिया का सवाल नहीं और सूर्य का प्रकाश उसमें मिलेगा, तो वो कैसा मानेंगे? इसका हमें थोड़ा पूछना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हमने भी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अधिकांश ऐसा बताया गया है कि बहुत ज़्यादा समय के लिए अगर उसको स्टोर करके रखा गया है तो वो तमोगुण में हो जाता है। लेकिन जैसे अब गंगा जी का पानी है तो उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो तो शुद्ध रहता है हमेशा, साइंटिस्ट भी बोलते हैं। वैसे ही जो आप बता रहे हैं चांदी का या सोने का या सूर्य देवता का, तो ये तो विशेष आयोजन है, तो ये तो अलग कैटेगरी में आएंगे, ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, कर सेवा की जय।